गुड मॉर्निंग गाइस, आज तो लॉक है ताला, सब आ रहे हैं और बोल रहे हैं लॉक है ताला, अभी तक गेट नहीं खुला, मेरी रनिंग भी नहीं हो पाई, सो आई कांट अंडरस्टैंड। एंड गार्ड दीदी भी नहीं दिख रही है और आज तो रनिंग मिस हो गई, बट कोई नहीं, इवनिंग में कर लेंगे। इवनिंग में तो आज कॉन्फ्रेंस है, बट क्या करेंगे, बट कोई नहीं, आई मैनेज। मेरे पापा एक बात कहते थे कि जो जागत है वो पावत है और जो सोवत है वो खोवत है। आई मिस माई फादर, बट कोई नहीं, ओके बाय। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, मेरी रनिंग कंप्लीट हो चुकी है और मैं योगा क्लास के लिए जाऊंगी। आज तो ऐसा हो रहा था कि कल बहुत थक के आस हो जाते, कल चले जाएंगे, कल कर लेंगे, बट ये दिमाग बस हमेशा एक ही चीज़ कहता है, कल कर लेंगे। हमारी लड़ाई तो सबसे पहले अपने दिमाग से ही है, तो दिमाग को ये बोलो आज कर लेते, कल आराम कर लेंगे, तो बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है यहीं पे। अगर एक बार आप उठ के और करना शुरू कर दिए तो बस और क्या, मन लग जाती है इन सारी चीज़ों में। तो फिर कल मिलते हैं, बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड वाइब्स के साथ अपने दिन की शुरुआत, नेचर के साथ अपने दिन की शुरुआत, और बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। एंड मेरी रनिंग कंप्लीट हो गई है, अब मैं जा रही योगा क्लास, फिर कल मिलते हैं इसी टाइम, बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, आज वेदर काफ़ी अच्छा है और रनिंग करने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, फीलिंग वेरी फ्रेश। और मेरा चैलेंज है आप लोगों से, गुड मॉर्निंग गाइस, मेरी रनिंग थोड़ी ही हो पाई है आज, बिकॉज़ आज हमें परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के साथ योग करने का मौका मिल रहा है और हम जा रहे हैं वेलनेस। आज हमारी योगा सेशन नहीं होगी, कुछ नया सीखेंगे आज हम, कुछ नया देखेंगे, कुछ नया एक्सपीरियंस होगी, हमारी मजा आएगा। देन फिर मिलते हैं हम आपसे, बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मॉर्निंग तो मेरा हो गया एंड मैं अभी योगा क्लास जा रही हूँ। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं ना तो चैलेंजेस बहुत आती है, तो उसे हमें उसके साथ डील करना है, ना कि उसको छोड़ देना है। वो होगा ही होगा क्योंकि नेचुरल है, क्योंकि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, तो सो गाइस उसके साथ हमें आगे बढ़नी होगी। खुद को कैसे मैनेज करके अपने वर्क को करना है, ये सब हमें खुद आनी चाहिए। जब आप कोई चीज़ शुरू करते हो तो कोशिश करो कि उसको पूरा करो, बट कोई नहीं, आई विल मैनेज इट नाउ, बाय। योगा क्लास का टाइम हो गया। गुड मॉर्निंग गाइस, वेकअप, सुबह हो चुका है, उठ जाओ आप लोग भी। और मेरी रनिंग कंप्लीट हो गई है, अब मैं योगा क्लास जा रही हूँ। सुबह उठोगे तो पूरा दिन अच्छा होगा, तो गाइस सुबह उठो, योग करो, एक्सरसाइज करो, अच्छा ब्रेकफास्ट करो, सब कुछ अच्छा होगा। बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव एंड बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा रनिंग कंप्लीट हो गया और मैं योगा क्लास जा रही हूँ। और इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये कि आप भी जागो, मुझे देख के अगर आपको कुछ करने का मन करता हो कि मैं भी अपनी फिटनेस के लिए कुछ करूं या उठूं सुबह, ट्राई तो करो आप, बस एक बार कोशिश करोगे तो होगा, ज़रूर होगा, इतनी भी हार्ड नहीं है ये। हाँ, थोड़ा सुबह उठना मुश्किल होता है, बट हो जाता है, एक बार आदत लग जाती है ना किसी चीज़ों की, तो फिर वो ना करो तो अच्छा नहीं लगता, तो आप कोशिश करो, ज़रूर होगा। स्टे फिट एंड बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, रनिंग कंप्लीट हो गई है मेरी, अब मैं योगा क्लास के लिए जा रही हूँ। और आप सबको ढेर सारा होली की
बधाइयाँ शुभकामनाएँ एंड हैप्पी होली आपको और आपके पूरे परिवार को, और अच्छे से होली खेलना, सेब खेलना, कहने का ये मतलब है। और बस अब मैं निकल रही हूँ योगा क्लास के लिए, नहीं तो लेट हो जाएगा। ओके बाय, गुड मॉर्निंग गाइस, रनिंग कंप्लीट हो गई है मेरी, अब मैं योगा क्लास के लिए जा रही हूँ। और आप सबको ढेर सारा होली की बधाइयाँ शुभकामनाएँ एंड हैप्पी होली आपको और आपके पूरे परिवार को, और अच्छे से होली खेलना, सेब खेलना, कहने का ये मतलब है। और बस अब मैं निकल रही हूँ योगा क्लास के लिए, नहीं तो लेट हो जाएगा। ओके बाय, गुड मॉर्निंग मेरे मित्रगण, भाइयों और बंधुओं, मेरा योगा क्लास के लिए टाइम हो गया है और मेरी रनिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं जा रही हूँ योगा क्लास, आज तो बहुत ही कोई जाने वाला नहीं है, कल होली थी तो सब थक चुके हैं, तो सब रेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी लोग जाएंगे, काफ़ी लोग नहीं जाएंगे क्योंकि कल काफ़ी डांस हुआ है, तो थक ही जाएंगे लोग। और अगर आपको कुछ करना है आपके लिए जो सही है तो वो काम करो, ज़्यादा सोचो मत कि हाँ यार मन नहीं कर रहा करने को, नहीं ऐसा नहीं करते। अगर कुछ करना है आपको और आपको पता है कि वो चीज़ सही है मेरे लिए, तो वो काम करो आप, चाहे वो अच्छा लगे या ना लगे। ओके देन, बाय बाय, गुड मॉर्निंग गाइस, मेरी रनिंग कंप्लीट हो गई है और अब मैं योगा क्लास जा रही हूँ। आज हमारा योगा क्लास भी है और क्लासेस भी है, तो योगा क्लास का टाइम हो गया, आप सब भी उठ जाओ। बाय, गुड मॉर्निंग गाइस, मेरी रनिंग कंप्लीट हो गई है, आज हमारा योगा क्लास था, नहीं तो गेट भी नहीं खुला था, मेरा काफ़ी लेट हो गया, बट कोई नहीं, मैंने रनिंग कर ली, छोड़ी नहीं, और अब मैं रूम पे ही योगा कर लेती हूँ। और उसके बाद हमारे कॉलेज में गेम है तो बस उसमें जाना है, देखते हैं क्या होता है, ज़्यादा सोचो मत, जो करना है आप करो, दुनिया तो बस कहती ही है, तो आपको जो करना है आप करो, बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, आपको अपने करने पे ध्यान देना चाहिए। ओके गाइस, बाय बाय, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, आज मुझे थोड़ी फीवर है तो मैं आज रनिंग नहीं कर रही, फ्रेंड मेरी साथ दे रही है मेरे टहलने में, ताकि मैं इधर उधर ना चली जाऊँ, कहीं सो ना जाऊँ या कहीं गिर पड़ ना जाऊँ, तो थोड़ी हेल्थ इसमें पानी में थोड़ी, तो फीवर तो पेन कर रही है, फीवर सा लग रहा है, ठीक है, तो मेरी फ्रेंड मेरे साथ है, बेचारी मेरे साथ टहल रही है, क्या करे, और हम ऐसे लोग हैं जो आदत बन जाती है तो नींद भी नहीं आती, नहीं तो आती फिर उससे अच्छा है कि थोड़ा टहल ही लेते हैं, योग ना करे, योग तो करनी है, बस रनिंग ना करे, थोड़ी टहल ले, पर ऐसी आदत भी अच्छी है, जब हमारी नींद 5 घंटे में खुल जाती है, चाहे अलार्म लगाओ चाहे ना लगाओ, चाहे ज्यादा सोने की कोशिश करो तो और तबीयत खराब हो जाती और है, और ये अजीब सी लगती है, ऐसी लगती है भाई आज तो मैंने बहुत ही ज्यादा सो लिया, बॉडी में पेन हो रही है सो सो के, उससे अच्छा है कि भाई जो काम करते हैं सुबह वो कर लेते हैं। तो गाइस आप भी इस रोज सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं छोड़नी है, चाहे जो हो जाए, खराब हो चाहे कुछ भी हो। तो गाइस फिर कल मिलते हैं इसी टाइम इसी वक्त इसी जोश में, चाहे वो तबीयत खराब हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर रनिंग नहीं कर पाते तो टहल तो सकते हैं, योग तो कर सकते हैं, नॉर्मल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बस आदत नहीं छोड़नी अपनी, ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, गुड मॉर्निंग गाइस, मेरी रनिंग कंप्लीट हो गई है और मैंने योगा आज पहले ही कर लिया, बिकॉज कि आजकल गेम के वजह से गेट खुल ही नहीं रहती है, तो रनिंग में लेट हो जा रही है मेरी, मज़ा आ रहा है थोड़ा सूर्य के साथ ये मॉर्निंग, ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। क्लासेस के बाद हम सीधा रूम पे चले जाते थे, फिर फटाफट तैयार होना, तो ये भी नहीं मिल पाता था, ये भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और फिर कल से तो क्लासेस हमारी शुरू हो जाएगी, फिर हम फिर बैक टू नॉर्मल लाइफ, फिर से भागम भाग होगी लाइफ में, ये क्लास वो क्लास। तो गाइस जब जैसा भी सिचुएशन हो उसके हिसाब से ढलना सीखो और इंजॉय करो लाइफ को, बी सेफ, बाय, गुड मॉर्निंग गाइस,
मेरी रनिंग कम्प्लीट हो गई है और अब मैं योगा क्लास के लिए जा रही हूँ, और बस आज पूरा दिन क्लासेस होगी, फिर हम थक जाएंगे, फिर शाम को फिर योगा प्रैक्टिस, बस ऑल यही चलते रहता है, पूरी दिन की शेड्यूल हमारी तो यही है, भागते रहते। बट अच्छा है, बेड पे पड़े रहने से कुछ सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और क्या, बस फिर मिलते हैं कल आपसे इसी समय, ओके बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरी रनिंग कंप्लीट हो गई है और मैं योगा क्लास नहीं जा रही हूँ, और मैं योगा रूम पे करूँगी, और मुझे भूख भी लग गई है बहुत ज़ोर की, तो योगा करके कुछ खा लूँगी। और ये मॉर्निंग यार, पूरी दिन की सबसे अच्छी शुरुआत मॉर्निंग से ही हो सकती है, काफ़ी अच्छी फीलिंग हो रही है मुझे इस अभी के टाइम, इतनी अच्छी फीलिंग हो रही है ना, सुबह उठने का कुछ अलग ही मज़ा है, पूरा दिन, और अभी क्या होती है ना पूरी मतलब शांत शांत है सब कुछ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, मन कर रहा बस इसी में रहूँ, यहीं पे रहूँ, और ये ठंडी ठंडी थोड़ी थोड़ी हवाएं चलती रहे और ऐसे घूमते रहूँ मैं, और ऐसा लगता है जैसे कि भगवान ही है साथ। तो गाइस, लव योर सेल्फ, लव योर वर्क, तब देखना कितना कमाल होगा, जब हम खुद के काम से प्यार करने लगते हैं ना, तो वो बोझ की तरह नहीं लगती, बस हम उसमें लीन हो जाते हैं, कहते हैं ना लीन हो जाना, तो लीन हो जाते हैं, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है मेरा। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरी रनिंग कंप्लीट हो गई है और अब मैं योगा क्लास जा रही हूँ, आज तो जल्दी नींद खुल गई थी मेरी, तो मैंने सब कुछ कर लिया, अब मैं बस योग करूँगी और उसके बाद क्लासेस, और भूख तो अभी से ही लग गई है, सुबह जल्दी उठने का यही, भूख जल्दी लग जाती है, बट कोई नहीं, योग करके आके कुछ खा लूँगी, और आप लोग भी उठ जाओ, सुबह हो चुकी है, और इस समय जगना सच में बहुत अच्छा होता है, आप जग के तो देखो एक बार, बहुत ही अच्छी ये जो एनर्जी होती है ना मॉर्निंग की, ये सबको लेनी चाहिए, माय एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं तो ऐसे तो बचपन से ही जगती हूँ तो मुझे आदत है, बट एक बार आप ट्राई करो, आपको भी अच्छा लगेगा, ओके बाय। मॉर्निंग गाइस, आज मेरी रनिंग नहीं हो पाई, किधर बारिश हो रही है बहुत तेज़ और रात से ही हो रही है, तो मैं रूम पे ही जो होगा करूँगी, और आज योगा क्लास भी पता नहीं होगी कि नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन अभी तक तो आया नहीं है, बट योगा क्लास तो छुट्टी होती है, हम तो जाएंगे ही, देखते हैं क्या होता है, फिर आप भी उठ जाओ, योग करो, जो टाइम आप मतलब बनाए हो ना कि हाँ उस टाइम में उठना है करना है, तो उस टाइम में ज़रूर उठो, वो बारिश हो या जो भी हो, एटलीस्ट आप रूम पे तो कर ही सकते हो, तो गाइस उठो, एक बार आदत बन जाती है ना तो फिर अच्छी लगती है, वो अपने आप नींद खुल जाती है, तो ये आदत बहुत अच्छी है, भले आप हो सकता है तो आफ्टरनून में थोड़ा सा सो लिया करो, लेकिन मॉर्निंग में उठो ताकि पूरा दिन हमारा अच्छा जाए। तो गाइस फिर हम कल मिलते हैं आपके साथ, बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरी 21 डे की रनिंग के चैलेंज आज कंप्लीट, और बहुत ही मज़ा आया, बहुत सारे चैलेंजेस आए इन 21 डे के रनिंग के चैलेंज में मेरे साथ, मैं बहुत कुछ सीखा, जब हम खुद से खुद को चैलेंज करते हैं ना, मज़ा भी आता है और उसको करने का एक अलग ही जुनून होता है कि नहीं करना है, तो मेरा एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि हम लोगों को छोटी छोटी चैलेंज खुद को ही देनी चाहिए, खुद से कंपटीशन करनी चाहिए ताकि हम आगे बढ़ पाए, दूसरों से कंपटीशन करने से अच्छा है कि आप खुद से कंपटीशन करो, ज़्यादा सीखोगे, मेरा यही एक्सपीरियंस रहा और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और योगा क्लास का टाइम हो चुकी है, मैं जा रही हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे, ओके बाय बाय। गुड इवनिंग गाइस, मेरी रनिंग कंप्लीट हो गई और सुबह के लिए गुड मॉर्निंग भी, बिकॉज़ आज मैंने सुबह में रनिंग किया नहीं,
मेरे चैलेंज है तो मैं इसे छोड़ नहीं सकती। अगर मॉर्निंग में नहीं किया तो मैं इवनिंग में ज़रूर करूँगी। और जब आप चैलेंज करते हो तो प्रॉब्लम्स काफ़ी आती है, तो गाइस छोड़ना नहीं है, आपको हमेशा रनिंग करते रहना है। जहाँ आपको आप चैलेंज करते हो उसको पूरा करना ही करना है, चाहे वो जितना दिन का चैलेंज हो। तो गाइस हम पतंजलि के स्टूडेंट हैं, तो इसका मतलब हम भगवान नहीं है कि हमें कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। हमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लोगों को ऐसा लगता है कि हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि हम पतंजलि के स्टूडेंट से योग करते हैं। नहीं नहीं हमारी भी लाइफ है, हमारी खुद की लाइफ है, खुद की फैमिली है, सब कुछ है, तो हमें भी प्रॉब्लम्स होती है। और हमारा भी लाइफ आप ही के जैसा है, ऐसा कुछ नहीं, बस हम फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं। और योग पर योग का मतलब एक अच्छा डीपली नॉलेज ले रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, भगवद गीता पढ़ रहे हैं, और बस